ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे अर्बन क्रूजर के बारे में जो कि जल्दी ही लॉन्च हो रही है। इसके बारे में पहले मैं एक मेरे वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इसके वेरिएंट्स की एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ चुकी है। क्या क्या इंजन्स पहले ही पता है हमें, लेकिन वेरिएंट वाइज इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं वो हमारे सामने हैं, उसकी हम बात करेंगे। प्लस इसके साथ जो कलर्स अवेलेबल होंगे उनकी भी बात करते हैं। ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पे ब्रेजा को ही टोयोटा अर्बन क्रूजर के नाम से पेश कर रहा है जैसे कि सब जानते हैं। तो इसमें क्या नई चीज़ आ रही है, इसमें दोस्तों तीन ऊपर के वेरिएंट लिए जाएंगे जिनको कि अर्बन क्रूजर के नाम से पेश किया जाएगा, यानी कि VXi, ZXi और ZXi प्लस तीन वेरिएंट ऊपर वाले होंगे जिनको कि टोयोटा अर्बन क्रूजर करके बेच रहा है। अब उनके अंदर क्या क्या खासियतें हैं, 1.5 लीटर का वही 105 BHP वाला इंजन जो कि काफ़ी सारी मारुति की गाड़ियों, ऊंची गाड़ी, बड़ी गाड़ियों में पेश किया गया है, वही इंजन इसके अंदर जांचा परखा इंजन पेट्रोल का वही है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी कि इंजन स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन इसमें दिया गया जो कि पावर की कमी कहीं महसूस नहीं होने देगा। और एक खासियत और जुड़ी है इस इंजन के साथ ही कि बेस वेरियंट से ही 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर हमें इसके साथ मिलेगा, यानी कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की सुविधा हमें शुरुआत से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। तीन वेरिएंट है दोस्तों इसमें आ रहे, मिड, हाई और प्रीमियम। मिड वेरिएंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसके अंदर LED टेल लैंप, LED हेडलैंप, LED डीरेल्स, ये सारी चीज़ें बेस वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। 16 इंच के स्टील व्हील्स इसके अंदर में मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 DIN का ऑडियो सिस्टम जिसके अंदर की ऑक्स, ब्लूटूथ और रेडियो की फैसिलिटी भी हमें मिल जाएगी। उसके साथ ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और कीलेस एंट्री, ऑटो AC की सुविधा के साथ ये सारी चीज़ें हमें बेस वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ऊपर आता है हाई वेरिएंट जिसके अंदर की अब स्टील व्हील्स की जगह अलॉय हो जाएंगे। साइज इसका 16 इंच का ही रहेगा और इसके अंदर जो पहले ब्रेजा के अंदर आ रहा 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर की एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा साथ में है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा और क्रूज कंट्रोल भी साथ में ऐड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जो प्रीमियम इसका वेरिएंट है, प्रीमियम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और नई जुड़ जाएंगी जैसे कि LED फॉग लाइट्स इसके साथ जुड़ जाएंगी और इसके साथ डायमंड कट अलॉय व्हील्स हो जाएंगे। हैं वो 16 इंच के ही, पहले बेस वेरिएंट में स्टील हैं, इसके बाद अलॉय हो गए, उसके बाद इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स हो जाएंगे जो कि वही सेम उठाए गए हैं जो कि ब्रेजा के टॉप वेरियंट्स में हम देखने को मिलते हैं। हमें ऑटो डीमिंग, IRVM और रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सारी चीज़ें टॉप वेरियंट के अंदर जुड़ जाएंगी। कलर्स अवेलेबल 6 होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर की वाइट, ग्रे, सिल्वर, ब्राउन, ब्लू और ऑरेंज कलर की सुविधा हमें मिलेगी सिंगल कलर में। और डुअल टोर के अंदर 3 कलर होंगे जिसके अंदर की ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन 1 और 2 होंगे, ब्राउन ब्लैक और ब्लू ब्लैक, यानी कि ब्लैक ऊपर छत होगी और नीचे ब्लू और ब्राउन की सुविधा मिल जाएगी। एक वेरिएंट है जिसके अंदर की नीचे का पार्ट ऑरेंज होगा और ऊपर का वाइट होगा। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अलग हैं वो हमें पता ही है, जैसे ग्लांजा है वैसा सेम करने को कोशिश नहीं की गई कि जैसे बलेनो वैसी ग्लांजा कर दी थी। इसमें ग्रिल बाहर से आइडेंटिकली चेंज हमें नज़र आएगी, दूर से पता लग सकता है हमें कि कौन सी गाड़ी आ रही है, वो ब्रेजा है या अर्बन क्रूज़र है। इंटीरियर में भी थोड़ा सा और अलग करने की कोशिश की है, थोड़ा डुअल टोन करने की कोशिश की है, जहाँ पे ब्लैक कलर ब्रेजा में पेश किया गया सीट्स का, वहीं पे इसके अंदर चॉकलेट ब्राउन कलर पेश किया गया है सीट्स फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का। अब इसके अंदर दोस्तों मेरे को जो अच्छा सा एक मतलब पूरा कंप्लीट सा पैकेज लग रहा है वो मेरे को हाई वेरिएंट है जो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारी रोज़मर्रा की जरूरतें हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बीच में आ गया, क्रूज कंट्रोल आ गया उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी। बस देखना ये होगा कि ये जब लॉन्च होती है तो उसकी प्राइस क्या रखी जाती है, उस हिसाब से इसको देखने वाली चीज़ होगी कि ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनता है या नहीं बनता है। और दूसरी बात, VXi वेरिएंट के साथ शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो ये वाला वेरिएंट है वो वेरिएंट बेस वेरिएंट जो ब्रेजा में आता है उससे महंगा होगा, यानी कि इसका बेस वेरिएंट ब्रेजा के बेस वेरिएंट से महंगा होगा। ये थोड़ी प्रीमियम रेंज की गाड़ी में शामिल किया जा रहा है इसको। तो फीचर्स पहले तो प्रीमियम गाड़ी की रेंज में आएगी, बेस वेरिएंट से ही काफ़ी सारे फीचर्स, ऑटो AC जैसे फीचर्स हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ऑल LED हेडलाइट्स और इलेक्ट्रिकल सारा LED हमें मिलना शुरू हो जाता है। कमी है कि इसके अंदर कोई भी डीजल वेरिएंट हमें नहीं मिल रहा। अब
तीसरी खासियत एक और जुड़ी हुई है कि ऑटोमेटिक की सुविधा हमें बेस वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमें फीचर्स से ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक की चाहत है, तो हम बेस वेरिएंट भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पैसे कम लगा के हम ऑटोमेटिक की सुविधा भी उठा सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बात कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, क्योंकि मेहनत लगती है वेरिएंट्स एक्सप्लेन करना, अलग अलग चीज़ें ढूंढ के लाना। तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आता है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट्स में बात कीजिए कि हम इन दोनों गाड़ियों को कैसे एस्पेक्ट में, कैसे पर्सपेक्टिव में देखें। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।